कौन खुश कर रहे हैं? देवता नाचेंगे, फिर वो कंधे में ले जाएंगे उनको उठा के। हाँ जी हाँ जी, उनकी सजावट करके। हाँ जी, तब उनके घर में पूजा होगी। और ये जो पत्ती है ना, अगर जो आप देखेंगे कितनी बड़ी है, बिल्कुल ही नीचे से और यहाँ बिल्कुल इसका सर ऊपर तक आ रखा है, तो नी भी होगी ये 45 हाथ के आसपास है ये। आज जा रहा हूँ मैं पत्ती में जसकोट गांव। जसकोट गांव में ना आज पत्ती है, आज है अंदर, यानी कि देवते नाचे जाएंगे पहले दिन में, और आज शाम के टाइम पे पत्ती लाई जाएगी। जंगल जाते हैं और एक बड़ा सा पेड़ लेके आते हैं, और कल होगी बाहर की पत्ती, यानी कि कल बहुत ही बड़ा मेला होने वाला है। तो आज हम यहाँ से, मतलब आज तो मई में आ रहा हूँ और आज हमारे पंडित जी भी आ रहे हैं, तो वो दिल्ली से आएंगे, हम मिलेंगे जसकोट गांव में। और अभी मैं जसकोट गांव ना पहुँचने ही वाला हूँ, इस साइड में पुनेरू गांव पड़ गया, सामने जसकोट गांव। अगर आज मौसम की बात की जाए तो सुबह से ना काफी ज्यादा बादल लगे थे, अभी के समय में थोड़ा बादल हट चुके पर अभी भी बादल है। पहले तो बिल्कुल ही नीचे आ रखे थे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था आसपास में। और जसकोट गांव जो है काफी बड़ा गांव है, कुछ मकान अगर जो आप देखेंगे उस वाली पहाड़ी तक फैले हैं, यानी कि कुछ मकान वहाँ हैं, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ से देखेंगे ऊपर की तरफ में भी मकान है। अभी के समय तो ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ दिन पहले आपका एक कमेंट आया था कि 11-12 को हमारे गांव में पत्ती है, यानी कि जसकोट गांव से एक कमेंट आया था, तो आज मैं जसकोट गांव पहुंच चुका हूँ। जसकोट गांव के अगर जो बीचों बीच में आप देखेंगे तो ये है पुराने जमाने के कुएं, यानी कि यहाँ पे ना पहाड़ों में गढ़वाल में इसको नौला बोला जाता है, हम लोग भी, हमारे गांव में भी है, हम लोग इसको नौला करके बोलते हैं। पर आज के समय में ना, समय के साथ थोड़ा सा इसकी मरम्मत कर दी गई है और इसको बढ़ियादार लेंटरदार बना दिया गया है, ताकि कूड़ा करकट इसमें ना गिरे। और ये एकदम बिल्कुल ही साफ पानी होता है, नेचुरल, ये धरती के अंदर से ही आ रहा है और ये पीने योग्य पानी होता है। और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो काफी बड़ी बड़ी मछलियां भी यहाँ पे रखी गई है, यानी कि पालतू मछलियां हैं। सामने देखेंगे तो दो परिवार का घर यहाँ पे भी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जसकोट गांव जो है ना काफी बड़ा गांव है। और खेतीबाड़ी यहाँ की काफी बढ़िया खेतीबाड़ी हुई है, इस बार फसल भी काफी मस्त बढ़िया हुई है। और सामने ये पेड़ देखेंगे, ये ना अनार का पेड़ नहीं है, ये है दलमिया, यानी कि अनार की एक तरीके की प्रजाति है। ये ना खाने में थोड़ा सा खट्टे होते हैं, ये मीठे नहीं होते अनार की तरह, बिल्कुल एकदम खट्टा सा। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पत्ती है हमने वहाँ जाना है। और रास्ते में देखिए कितनी प्यारी खेती है, और झुंगोर देखिए भाई, यहाँ पे क्या बालियाँ हो रखी है झुंगोर की ना, एकदम मस्त। अब ये निकालने लायक हो चुका है, गजब। जिसको झुंगोर चाहिए वो जसकोट गाँव में जरूर आए भाई, यहाँ की खेती देख के बिल्कुल ही अलग ही आनंद आ रहा है, एक गजब। हम आए उस वाली पहाड़ी से, उस तरफ से हम घूमते हुए इस तरफ को आए, और कुछ मकान इस तरफ आए, यानी कि ना मैं आपको पूरा गांव नहीं दिखा सकता। गांव इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ना हर मकान काफ़ी दूर दूर है, यहाँ पे नहीं भी होंगे 500 मीटर की दूरी पे मकान है, एक सामने होते तो एक बार क्लियर में पूरा व्यू आ जाता। अब पूरा व्यू इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मकान बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना यहाँ पे। सो अभी पहुँच चुके हैं हम जसकोट गाँव में, और यहाँ पे भी ना अपनी रिश्तेदारी लगती है 2-3 जगहों से, और बूबू सभी घर पे, और बूबू भी पहचान गई भाई, तो यहाँ पे अपना रिश्ता लगता है सिरगाट की तरफ से बूबू से। यार बूबू कह रही है कि बढ़िया वीडियो बनाता है, और तो क्या ना, अच्छा लगा, अच्छा लगा कि काफी बुजुर्ग लोग हमारी वीडियो देखते हैं। अच्छा पसंद भी आंदी या सीधी? बहुत पसंद आई है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि सुबह के समय ही पत्ती लेने जाते हैं, तो अभी हम भी वहीं जा रहे हैं पत्ती लेके आ रहे हैं। तो चला, आप लोग नहीं आना जी? हम दाना दे मोल। हाँ तो दाने दाने अभी घर पे, ये जवान जवान पत्ती लेने गए, तो हम भी चलते हैं। आओ फिर। हाँ अच्छा बैठा। हाँ और जसकोट गांव में देखिए भाई, बच्चे भी यहाँ पे खूब है। हमारे यहाँ पे ना इतने छोटे बच्चे अब नहीं रह गए जितने यहाँ पे हैं। क्या नाम है? अरे हेलो, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? काव्या नेगी। और आपका? मानवी। आपका नाम? मान सिंह। दीपांशु। अच्छा तो भाई हमारे गांव में ना इस एज के लड़के बहुत, मतलब है ही नहीं भाई गांव में, जो भी है सब शहरों की तरफ जा चुके हैं। और थोड़ा थकान भी लग गई, थोड़ा पहाड़ भी चढ़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। चला फिर। और पान बना ला। अच्छा अभी तो पत्ती देखने नहीं जा रहे? क्या दिखाना बरा पान होना? अरे ये बच्चे नहीं जा रहे, चलो हम जाके आते हैं, आ जाओ हमारे साथ। आना जी ना है, शर्मा रही है। हम कह रहे थे कि शाम के टाइम पत्ती लेने जाते हैं, पर गलत इन्फॉर्मेशन मिली, पत्ती लेने ना सुबह ही चले गए और पत्ती लेके भी आ चुके हैं, और अभी सुबह के 10:30-11 बजने वाले हैं, हम थोड़ा सा ना लेट हो गए। और कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी पत्ती लेके आए हैं भाई। तो ये पत्ती होती है ये चीड़ के पेड़ की,
तो हम काफी दूरी में है, काफी डिस्टेंस है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जसकोट गांव काफी बड़ा गांव भी है, काफी दूर दूर यहाँ के मकान फैले हुए हैं। तो अभी वहीं पे ही चलते हैं, पत्ती मेला वहीं पे ही होगा और जितने भी शहर से आए होंगे, जो पुजाई हो रही है वो चौक पुजाई का नीचे की तरफ है और यहाँ पे सभी के लिए भोजन वगैरह बन रहा है। सो थोड़ा सा ना हम लेट हो गए, पत्ती यहीं पे लगाई जाएगी, मतलब यहीं पे घेंटी जाएगी। और ये जो पत्ती है ना, अगर जो आप देखेंगे कितनी बड़ी है, बिल्कुल ही नीचे से और यहाँ बिल्कुल इसका सर ऊपर तक आ रखा है, तो नी भी होगी ये 45 हाथ के आसपास है, ये 40 से ऊपर ही है और काफी बड़ी है, 48 बड़ा ही गजब जबरदस्त। और इसके ऊपर भाई चढ़ना होता है और नीचे से ना बिल्कुल ही जो ये इसके बगोट है ये छिलके ये निकाले जाएंगे और ये तब और भी फिसलन भरी हो जाती है और साथ में इसमें शैम्पू वगैरह काफी सारी चीजें लगाई जाती है, तो काफी अच्छा लगा। और जितने भी हैं, नमस्कार भाई जी। सो काफी सारी चीजें ना पत्ती में लगाई जाती है ताकि जिससे ये फिसलन हो जाए और इसमें चढ़ने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। और जितने भी नौजवान युवा पीढ़ी है सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो बुजुर्ग लोग आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे, नौजवान ज्यादा देखने को मिलेंगे। और नौजवान ही युवा पीढ़ी इसको लेके आए हैं और यहाँ से नहीं, इसको लाए कफल गांव की तरफ से, काफी दूर से लेके आए। और जब ये कल पत्ती मेला होगा तो कल बहुत ही मजे आने वाली है, जब काफी दूर से यहाँ पे भक्त लोग आएंगे नंदा अष्टमी मेला देखने के लिए, कौथिक देखने के लिए, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे पत्ती कौथिक। अभी के टाइम पे पत्ती तो लेके आ चुके हैं और कभी भी आपने नोटिस किया होगा जब पत्ती लेके आते हैं तो बड़े ही संभाल के लेके आते हैं ताकि उसका जो ऊपर का जो मेन हिस्सा है ना, ये बहुत जरूरी होता है, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। इतनी सुबह सुबह तो हम आए थे, हम भी ना थोड़ा सा लेट हो गए पत्ती लाते हुए दिखाई दे। कैसे हो और सब बढ़िया? हाँ एकदम मस्त, पहुंच गए हमारे गांव में। अरे बिल्कुल, पर थोड़ी सी लेट हो गए हम लेट हो गए यार भाई जी। ठीक है। अगर जो पत्ती जिस टाइम लाते हैं ना उस टाइम काफी मजे आती है, वो मेन पार्ट रह गया ना थोड़ा सा, मुझे भी मजे आती है और आपको भी आती मजे। और सो रास्ते में ढोल दमाऊ बजते हुए जा रहे हैं और जितने भी युवा पीढ़ी है सब डांस करते हैं, गजब। यहाँ पे लड़के इस एरिया में काफी ज्यादा है युवा पीढ़ी, ये देख के काफी अच्छा लगा। और पत्ती के टाइम पे होता क्या कि जितने भी शहरों में गए होते हैं सभी लोग आते हैं गांव में। और सनी भाई मजा आ गया भाई, ये है युवा पीढ़ी, गजब। अब यही वो युवा पीढ़ी है जो अपने रीति रिवाज हैं उनको जो आगे लेके जाएगी। काफी अच्छा लगा इतने सारे लड़के एक साथ देख के भाई। नीचे की तरफ देखेंगे वहां पे है कफल गांव और नीचे कफल गांव के 2-3 बाजार है, बस ज्यादा बड़ा गांव बाजार भी नहीं है और ज्यादा बड़ा गांव भी नहीं है, शायद कफल गांव और जसकुड़ गांव इसी के ऊपर की तरफ है बस, और ये भी काफी बड़ा फैला है। अभी दोपहर के करेक्ट अब 11 बज रहे हैं और पत्ती भी आ चुकी है, थोड़ा सा दुख हो रहा है इस बात का कि हम पत्ती लाते हुए उससे पहले नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे हम। अच्छा तो इसको भी खेलना है। सो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और बुबू भी तैयार है और नीचे वहाँ पे ना गांव के बुजुर्ग लोग नीचे गए हैं, राधा कृष्ण नहीं बना रहे ना, राधा कृष्ण को बना रहे हैं, तो वहाँ पे नीचे की तरफ घास से बनाते हैं, तो गांव के बुजुर्ग लोग जा चुके हैं, रुपए की माला डाल रही। अच्छा पैसों की माला डालते हैं उसमें, डाल रही
चौन करेला डाल रहे, फूत डाल रहे उसके गले में। अच्छा हाँ, राधा के गले में। तो चलिए अब हम भी जाते हैं, हम भी वहाँ पे देख के आते हैं। बिल्कुल ओके। ये है जसकोट गांव और ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आए और यहीं पे ना राधा कृष्ण बना रहे हैं। ऊपर झूंगर खूब सारा हो रखा है और नीचे की तरफ देखेंगे तो क्वाद हो रखा है, तो सभी बुजुर्ग लोग यहीं पे ही है। तो मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। सो बुबू कह रही थी राधा कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं, शिव पार्वती की प्रतिमा यहाँ पे बनाई जा रही है। बिल्कुल ही पूरा घास से बनाया जाता है। तो काफी लोग आ रखे देखने के लिए और अभी पंडित जी बताएंगे शिव कौन से और पार्वती कौन से है। तो अभी बना रहे हैं, टाइम लगेगा बनने में। और यहाँ पे हमारे साथ जगरी जी भी बैठे हैं, अभी वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बना रहे हैं। तो हमें तो भाई, हम अब की पीढ़ियां, हम तो जानते भी नहीं है ज्यादा, और वो ही बता सकते हैं इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा। तो जरा दो शब्द आप भी बोल दीजिए, जरा बते दे एक बार जगर जी। एक शिव है, एक पार्वती है। हाँ जी, हाँ जी। और अब इनको जेवर पहनाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, ठीक, फिर सजावट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। की जयमाला होगी और इसमें जो है इनका नाच गान होगा देवी देवताओं का। फिर इनको घर में ले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और इनकी पूजा पर्चा होगी, आरती भक्ति होगी, फिर इनको अंदर ले जाएंगे, कल सवेरे विसर्जन करेंगे फिर। अच्छा, तो यहाँ से तो नॉर्मल ले जाएंगे या यहाँ से ढोल दमों के साथ? यहीं से ढोल दमों बाजाबाजी के साथ आएंगे। अच्छा, और यहाँ पर देवता नाचेंगे, फिर वो कंधे में ले जाएंगे उनको उठा के। हाँ जी, हाँ जी। उनकी सजावट करके। हाँ जी, तब उनके घर में पूजा होगी। हाँ जी, हाँ जी। ये है हमारी पुरानी परंपराएं। परंपराएं तो काफी टाइम बाद यहाँ पे पत्ती हो रही है। यहाँ पर कम से कम 52 साल बाद हो रही है। अच्छा, 50-52 साल, यानी कि आप लगा लो कि 55 साल। कहीं ना कहीं जो हमारी परंपराएं हैं, हम भी कहीं ना कहीं उनसे वंचित है आज के समय में। ठीक है, जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपने रीति रिवाजों के बारे में ना थोड़ा कम कम ही जानती है। तो यहाँ पे जितने भी दिखाई दे रहे सब जसकोट गांव के हैं और काफी अच्छा लगता है जब पहाड़ों में कुछ भी मेला बार त्योहार कुछ भी होता है। तो जितने भी शहरों में जा चुके हैं लोग आज के समय में, वो भी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसको देखने के लिए गांव में आते हैं। और जो भीड़ और दिन नहीं लगती है वो इस टाइम पे लगती है, जैसे कुछ कौथी वगैरह हो, पत्ती वगैरह हो, शादी ब्याह हो, तब खूब चहल पहल होती है गांव में। और ये हमारे पंडित जी सुभाष डोंडियाल। शिव पार्वती बनाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक हम घूम के आते हैं। यहाँ से बाजार की तरफ चलते हैं और बाजार यहाँ से ना थोड़ी दूर है। इसके आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आई जरूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। तब तक के लिए मिलते हैं किसी को नए व्लॉग में। टेक केयर एंड गुड बाय।